Hello students, welcome to Education with DB Sir. Today we are going to discuss about various symbols related to Buddhism. So let's get started. जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है ये मेनली दो ब्रांचेस में डिवाइडेड है, एक है ऑर्थोडॉक्स, एक है हेटरोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो वेदों को मानने वाले हैं, हेटरोडॉक्स जो वेदों को मानते नहीं है। हेटरोडॉक्स में मुख्यतः तीन संप्रदाय आते हैं, पहला है चार्वाक, दूसरा है जैनिज्म और तीसरा है बुद्धिज्म। ओके, तो आज बुद्धिज्म हम देखेंगे। बुद्धिज्म का जो मेन फाउंडर है वो है गौतम बुद्ध जो कि 563 BCE में जन्म हुए थे। 563 ओके, 29 साल में उन्होंने घर छोड़ दिया और 35 साल में उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। तो कुछ सिंबल है जो बुद्ध के जीवन में रिलेट करते हैं, उसका मीनिंग क्या है और उसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे आज इस वीडियो में देखेंगे। पहला सिंबल है लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल किसको इंडिकेट करता है? ना बर्थ को इंडिकेट करता है, गौतम बुद्ध जी के बर्थ को इंडिकेट करता है। तो इससे हम कैसे याद रखेंगे? लोटस को कहा जाता है क्या? लोटस अर्थात पद्म, उसको पंकज भी कहा जाता है, पंक से जात है इसीलिए पंकज कहा जाता है। पंकज से क्या हुआ है? जात हुआ है। जात मतलब क्या? पंकज से जात, जात मतलब जन्म हुआ है। जन्म को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बर्थ। ओके, सो बर्थ से रिलेट है ये। तो पंकज जात होता है, तो जात से हम याद रखेंगे बर्थ। ओके, ऐसे करके हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, पहला हो गया। फिर दूसरा है हॉर्स। हॉर्स रिलेट करता है रेनन्सिएशन, ओके, त्याग, त्याग का सिंबल। तो हॉर्स से हम क्या याद करेंगे? हॉर्स, हॉर्स जैसा साउंड हो रहा है, पर्स। ओके, तो पर्स कौन रखते हैं? लड़की रखते हैं, तो इसमें एक लड़की का नाम है, देखो ये है क्या? रेनू। ओके, रेनू का पर्स, तो रेनू का पर्स। ओके, ऐसे करके हम याद करेंगे। तो हॉर्स से हम याद रखेंगे रेनन सीएसन। ओके, बोधि ट्री, बोधि ट्री महाबोधि, क्योंकि बोधि ट्री के अंडर महाबोधि उनको प्राप्त हुआ था, तो बोधि को हम देख के महाबोधि तो इजी है, क्योंकि बोधि बोधि दोनों में बोधि बोधि है, तो इजीली हम याद कर सकेंगे। फिर फोर्थ है धर्मचक्र प्रवर्तन को देखकर हम किसको याद करेंगे? फर्स्ट सेरमन। फर्स्ट सेरमन का सिंबल है धर्मचक्र प्रवर्तन, तो इस धर्मचक्र से हम याद करेंगे धर्म को। ओके, और प्रवर्तन से याद करेंगे प्रवचन। ओके, धर्म प्रवचन कहाँ होता है? सेरमन में होता है, यही तो सेरमन है। ओके, धर्म प्रवचन होता है, तो ऐसे करके हम फोर्थ भी याद रखेंगे। और फिफ्थ जो है फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स किसका यादगार है? गौतम बुद्ध का, निर्वाण का ये यादगार है। तो कैसे हम याद रखेंगे? फुटप्रिंट से आ रहा है फुटपाथ। ओके, फुटपाथ, अभी कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में फुटपाथ सारे कैसे हो गए हैं? निर्वाणा से हम याद करेंगे निर्जना। ओके, निर्जना हो गए हैं, अर्थात कोई भी फुटपाथ पर अभी नहीं है, सारे के सारे निर्जन हो गए हैं। ओके, तो ऐसे करके हम याद करेंगे। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को हेल्पफुल होगा। ऐसे और भी ट्रिकफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। दिस इज एजुकेशन विद डीबी सर साइनिंग ऑफ।